महापाप में से एक है। मनुष्य के जीवन की सुख शांति ही नहीं, उनके जीवन का विनाश का कारण भी होती है सुरापान। इसीलिए कभी भी सुरापान नहीं करना चाहिए। शांत, ये सुरा हमारा लक्ष्य नहीं है। नहीं दैत्यराज बलि, ये समुद्र मंथन से क्लांत हमारी देह को स्फूर्ति से भर देगी। हाँ हाँ असुरो, ये आप लीजिए। पहले मुझे कराइए सुरापान। सुरा देखते ही आसुरी वृत्ति जाग उठी है इन असुरों की। बस बहुत हो गया। ये सुरा पान करके आपस में ही लड़कर मरना है या फिर अमृत पीकर अमर होना है। इस विनाशकारी सुरा की मांग मत करो, हमें अमृत मांगना है और कुछ नहीं, जिससे कि जब अमृत उत्पन्न हो और हम उसकी मांग करें तो ये देवता विवश हो जाएं हमें अमृत प्रदान करने को। स्मरण रहे, हमें अमृत चाहिए और कुछ नहीं। किंतु दैत्यराज, सुरा ही नहीं और भी अनेक बहुमूल्य वस्तु है, क्या हम देवताओं को ही दे देंगे? मूर्ख हो तुम सब। यदि अमृत मिला तो उसका पान करके तुम सब अमर हो जाओगे। उचित है महाराज, उचित है। आरंभ किया जाए। तो ये योजना थी दैत्यराज बलि के मन में, किंतु समुद्र मंथन मात्र अमृत के लिए ही हो रहा था और असुर सारा अमृत ले गए तो देवता तो। तावले मत हो हनुमान, प्रतीक्षा करो, कथा में अनेक रोचक मोड़ आने वाले हैं। वो दैत्यराज बलि के समझाने पर असुर मान गए और समुद्र मंथन से जो अन्य वस्तुएं निकली जिनकी देवताओं ने मांग की, वो थी पारिजात वृक्ष पुष्पों से युक्त जिसकी दिव्य आभा कभी क्षीण नहीं होती, उसे देवराज इंद्र ने मांग लिया जिसे वे स्वर्ग ले गए, सर्जित हुआ सर्व कामना पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष, उसे भी देवता प्राप्त करके स्वर्ग ले गए। तत्पश्चात सुंदर अप्सराएं प्रकट हुई। असुरों का मन तो ललचाया किंतु दैत्यराज बलि की बात को स्मरण करके वे पीछे हट गए। इस प्रकार अप्सराएं भी देवताओं को प्राप्त हो गईं। Ha 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 ha
ले जाओ तुम देवताओं इन्हें भी। आरंभ किया जाए। अप्सराओं के पश्चात इंद्रदेव का ऐरावत हाथी निकला, जिसे ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण इंद्रदेव ने खो दिया था। वो पुनः इंद्रदेव को प्राप्त होकर स्वर्ग चला गया। उसके पश्चात दिव्य अश्व उच्चेश्रवा समुद्र से निकला। असुरों का धैर्य टूटता जा रहा था। हाँ, ये हमें मिलना ही चाहिए। असुरों को धैर्य खोता देख इंद्रदेव ने वो अश्व दैत्यराज बलि को प्रदान कर दिया। इंद्र, ये अश्व हमें मिलना ही चाहिए। आरंभ करो। जो वस्तुएं समुद्र से उत्सर्जित हुई थी वो मात्र सारे देवता एवं असुरों को ही प्राप्त हुई थी। ऐसा नहीं है हनुमान, इसके पश्चात जो उत्सर्जित हुआ वो प्रभु भोलेनाथ को प्राप्त हुआ। श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण, हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि। दैत्यराज बलि, अकस्मात ही इतने घनघोर मेघ गिर आए हैं। देवराज, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। न जाने क्या होने वाला है। चंद्रमा? 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 ये समुद्र में ऊंची उठती लहरें चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव है। दैत्यराज बलि, देवराज, लहरें कितनी भी ऊंची हो हम समुद्र मंथन नहीं रोकेंगे। चंद्रमा के स्थित रहने से लहरों की विषमता बढ़ती जा रही है। समुद्र मंथन असंभव है दैत्यराज। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक अमृत की प्राप्ति नहीं होती हम मंथन नहीं रोक सकते। आरंभ करो। दैत्यराज बलि, स्थिति बहुत विकट उत्पन्न हो गई है। देवों और असुरों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। तब उनकी समस्या का समाधान सुझाया गुरुमावतार प्रभु विष्णु देव ने। Oh,
रक्षा कीजिए महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। महादेव प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम भोलेनाथ, भोलेनाथ नाथ महादेव प्रणाम। महादेव अपने भक्तों के संकट को दूर करने के लिए आप आ गए प्रभु, यह आपकी महानता है महादेव। प्रभु श्री नारायण के कुर्म अवतार ने मुझे स्मरण किया तो मुझे आना ही था। प्रणाम जगत पालक श्री हरि विष्णुदेव। प्रणाम देवाधिदेव महादेव। चंद्र गुरुत्वा च्वार उठायो, मंथन काज पे संकट छायो। तब हुकुरमा युक्ति लगाई, भोले टारो विपत्ति आई। चंद्र जटा में धारे शंभु, खुल गए मेघ विनय हुआ अंबु। शिव अब चंद्र शेखर धरि नामा, देव करें जयकार प्रणामा। चंद्रशेखर महादेव की जय। चंद्रशेखर महादेव की जय। चंद्रशेखर महादेव की जय। चंद्रशेखर महादेव की जय। चंद्रशेखर महादेव की अच्छा, तो इस प्रकार भोले बाबा ने चंद्रमा को अपने शीश पर धारण किया और प्रभु चंद्रशेखर कहलाए थे। हाँ, उनके ऐसा करने से ही पुनः समुद्र मंथन संभव हुआ और तब समुद्र के गर्भ से जिसका उत्सर्जन हुआ उनकी कृपा प्राप्त करना सब चाहते हैं, फिर वो देव हो, दानव हो या मानव। जय श्री कुर्म अवतार विष्णुदेव। यज्ञराज बलि की जय। यज्ञराज बलि की जय। हरि ओम नारायण हरि। हरि ओम नारायण हरि। अब किसका उत्सर्जन होने जा रहा है? ऐसा रूप सुंदरी मिलनी चाहिए। ये सुंदरी तो हमें मिलनी ही चाहिए। हाँ, ये सुंदरी तो हमें मिलनी ही चाहिए। श्री और समृद्धि प्रदाता देवी लक्ष्मी को प्रणाम। प्रणाम देवी लक्ष्मी। प्रणाम देवी लक्ष्मी।
हमें पुनः श्री संपन्न करने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम देवी। इनके तो इंगित मात्र से ही ये श्रीहीन देवता पुनः श्री संपन्न हो गए हैं। धन की देवी है ये देवी लक्ष्मी है, ये तो हमें मिलनी ही चाहिए। अभी तक हम असुरों ने किसी चीज की मांग नहीं की है, किंतु हम इनकी मांग करते हैं और सबको हम असुरों की ये बात माननी पड़ेगी। धन संपदा के लालच में तुम सबको मति मंद कर दिया है। यदि आप नहीं चाहते तो आप इनकी मांग मत कीजिए दैत्यराज बलि, किंतु मुजराहो को जीवन भर इनका दास बने रहना स्वीकार है। नहीं राहू, मैं तो विवाह करूंगा इससे, पटरानी बनाऊंगा इसे। बस दैत्यराज बलि, अपने असुरों को बता दीजिए कि ये देवी लक्ष्मी है प्रभु श्री नारायण की अर्धांगिनी, इनके प्रति सम्मानजनक व्यवहार की अपेक्षा है हमें। ये कोई भी हो परंतु हमारे परिश्रम से इनका आविर्भाव हुआ है, मिलना ही चाहिए। मिलना ही चाहिए, करेंगे कोई अन्य नहीं। हम ऐसा नहीं होने देंगे, जैसा करने का प्रयास भी करेगा उसका अंत कर देंगे हम। आगे बढ़ने का प्रयास बंद करो, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। हट जाओ। विनाश कर देंगे, हम ही प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ने का प्रयास बंद करो, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। माता, माता लक्ष्मी जी के प्रति ऐसी दुर्भावना कैसे उत्पन्न हो गई असुरों के मन में? यही है असुरी वृत्ति पुत्र हनुमान, जिनके मन दूषित होते हैं उन्हें मात्र अपना स्वार्थ दिखाई देता है। वो ये भी नहीं समझते कि कौन माँ बहन पुत्री समान है। ऐसी वृत्ति वाले मनुष्य स्वयं ही अपने विनाश का मार्ग खोल देते हैं। सत्य है माता, यदि असुर भी देवताओं की ही भांति माता लक्ष्मी जी को पुत्र भाव से प्रणाम करते तो वो भी माता लक्ष्मी जी की कृपा के भागी होते। हाँ हनुमान, क्योंकि प्रणाम करने वाला स्वयं ही आशीर्वाद का अधिकारी बन जाता है, फिर चाहे वो अपने शत्रु को प्रणाम करे या अपने हितैषी को। असुरों ने देवी लक्ष्मी को प्रणाम करने के स्थान पर दूषित दृष्टि से देखकर पाप किया था। ऐसा ही महापाप भविष्य में लंकेश रावण करेगा और उसके पाप कृत्य का परिणाम होगा उसका विनाश। लंकेश रावण? माता, ये नाम तो हनुमान को सुना प्रतीत हो रहा है। हनुमान, अभी तुम्हारी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है पुत्र, किंतु चिंता मत करो, समय आने पर तुम्हें सब स्मरण हो जाएगा। परंतु अभी अनियंत्रित असुरों को नियंत्रण करना अवश्य था। माता, यदि मैं वहाँ होता तो उसी क्षण उन पापी असुरों को दंड दे देता। तनिक सा भी ये नहीं सोचता कि उन मायावी असुरों के समक्ष हनुमान एक साधारण वानर बालक है। तुम्हारी भावना में समझती हूँ पुत्र, विधि का विधान है, जैसी करनी वैसी भरनी। पाप कर्म का दंड सबको किसी न किसी रूप में भोगना ही पड़ता है, किंतु ईश्वर पापी को तभी दंडित करते हैं जब उसके पापों का घड़ा भर जाता है। इसीलिए देवी लक्ष्मी जी शांत रही, उन्हें प्रतीक्षा थी मात्र अपने स्वामी प्रभु श्री नारायण की। देवी लक्ष्मी हमारी है और हम इन्हें प्राप्त कर ही रहेंगे। अगर इनके लिए युद्ध भी करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे, अपने विनाश को आमंत्रण मत दो असुरों, अन्यथा तुम सबको भुगतना होगा। देवराज इंद्र दैत्यराज बलि के होते हुए असुरों का कोई अहित नहीं कर सकता। इनकी देवी लक्ष्मी को प्राप्त करने की मांग कोई अनुचित नहीं है।
समुद्र मंथन से जो भी निकल रहा है वो मात्र देवताओं का नहीं है, असुरों का भी अधिकार है उस पर। हम असुरों का भी अधिकार है सब पर। हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। शांत हो जाइए आप सर, शांत हो जाइए। कन्या कोई भेंट की वस्तु नहीं है जिस पर कोई भी अपना अधिकार जताने लगे। ये अधिकार तो कन्या का होता है कि वो किसे वरण करे। आप असुर मेरा वरण करना चाहते हैं, किंतु ये सत्य सर्वविदित है कि मैं श्री हरि विष्णु देव की अर्धांगिनी। और मैं आज उन्हीं के लिए यहाँ आई। यदि आप विष्णु देव के लिए आई हैं, तो विष्णु देव है कहाँ? अतः उचित होगा कि आप हम में से किसी का वरण कर लें। देवराज, यह असुर माता लक्ष्मी और प्रभु नारायण के प्रति ऐसे प्रश्न कैसे कर सकते हैं? हम सब समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं। अगर वरण करना है तो हमारा कीजिए देवी। आपको इच्छा अनुसार वरण करने का अधिकार देते हैं। हम में से किसी एक को चुन लीजिए। जो यहाँ उपस्थिति नहीं है उसका वरण कैसे कर सकती है आप? मुझे विश्वास है मेरे स्वामी विष्णु देव यही है। किंतु यहाँ विष्णु देव है कहाँ? होते तो हमें दिखाई देते, परंतु यहाँ तो मात्र कुर्म है जिसे सभी देवता का अवतार मान रहे हैं। स्वामी श्री हरि के कुर्मावतार को प्रणाम। देवता जो मान रहे हैं वो सत्य है। इनकी उपस्थिति का अर्थ है कि मेरे स्वामी श्री हरि विष्णुदेव यही उपस्थित हैं। तो क्या आप हम महाबली असुरों को छोड़कर इस कुर्म अवतार विष्णु का वरण करेंगी? बताइए। ये असुर देवी लक्ष्मी के साथ अभद्रता का व्यवहार कर रहे हैं स्वामी। विष्णुदेव की प्रतीक्षा करके आप समय व्यर्थ में नष्ट कर रही हैं। आपके समक्ष एक से बढ़कर एक महाबली योद्धा महा ऐश्वर्यशाली असुर उपस्थित हैं। वरण कर लीजिए किसी भी असुर का। स्वामी, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी? ये प्रतीक्षा की घड़ियां असह्य होती जा रही है। मैं यहाँ आ गई, अब आप भी आ जाइए श्री हरि नारायण। देवेश्वरी प्रणाम। श्री हरि, आप अचानक यहां? देवी लक्ष्मी उपस्थित हो चुकी हैं, फिर आप उन्हें इतनी प्रतीक्षा क्यों करा रहे हैं? उन्होंने भी तो मुझे बहुत प्रतीक्षा कराई है देवेश्वरी। श्री हरि, ये बालकों की भांति हट है आपका या कोई लीला? आप जो चाहे समझ लीजिए देवी। अच्छा, तो एक बहन के हट से आपका परिचय नहीं हुआ है। आपको स्मरण है ना, मेरे विवाह में भ्राता की सभी रीतियां आपने निभाई थी
तो ये आपकी बहन पार्वती आपको हटात भी देवी लक्ष्मी के समक्ष ले जा सकती है। तो आप चल रहे हैं भ्राता विष्णुदेव या मैं? अच्छा अच्छा, चलता हूं। सत्य तो ये है कि मैं अपनी बहन देवेश्वरी की ही प्रतीक्षा कर रहा था। बिना बहन के भाई कैसे जा सकता है विवाह के लिए? स्वामी, क्यों प्रतीक्षा करा रहे हैं मुझे? मत कीजिए प्रतीक्षा, विष्णुदेव नहीं। प्रभु, मेरे स्वामी, प्रणाम। लक्ष्मी को लाने में हमने श्रम किया है, विष्णुदेव कैसे ले जा सकते हैं इन्हें? मुझे चाहिए। हाँ, मुझे चाहिए। शांत। क्या हुआ, कहाँ खो गई बहन लक्ष्मी? आपके स्वामी आपके समक्ष हैं। अलौकिक मंगल बेला होत पुनः लक्ष्मी हरि मेला। विष्णु कमला दो मुदिता, देव ब्रह्मा शिव सब हर्षिता। वरमाला जब डारी परस्पर, बरसाए सब पुष्प युगल पर। व्यापत है कण कण में उल्लासा, आई पुनः करवे श्रीवासा। कैसा अद्भुत एवं मनोरम होगा वो दृश्य, प्रभु श्री हरि नारायण का विवाह माता लक्ष्मी के साथ। भोले बाबा तथा समस्त देवगण एवं देवियां भी उपस्थित। माता, कितने भाग्यशाली होंगे वो जो इस सुनहरे पल के साक्षी होंगे। माता, कितना असीम आनंद का सुख प्राप्त हुआ होगा जब माता पार्वती जी ने अपने भ्राता श्री हरि नारायण एवं माता लक्ष्मी जी का मिलन करवाया होगा। सत्य हनुमान, बिछड़े परिजनों को मिलाने के आनंद की तो कोई कल्पना ही नहीं होती। ऐसे मिलन के परम आनंद का अनुभव तुम्हें भी होगा हनुमान, जब भविष्य में तुम भी इनका मिलन कराओगे। फिर क्या हुआ माता? देवी लक्ष्मी के आने से देवता पुनः श्री संपन्न होकर नई ऊर्जा से भर उठे। पुनः सागर मंथन तीव्र गति से प्रारंभ हो गया। फिर वो क्षण आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा देव एवं दानव दोनों समुदाय बड़ी व्यग्रता से कर रहे थे।
जय श्री हरि विष्णुदेव, जय श्री हरि विष्णुदेव। धन्वंतरी देव आयुर्वेद के साथ। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और कर्मानुसार ही ईश्वर फल देते हैं। इसे कोई नहीं लेगा। अच्छा, तो इसका अर्थ है असुर अमृत को बड़ी ही ललचाई दृष्टि से देख रहे थे। हाँ पुत्र, उन्हें तो मात्र अमृत से भरा हुआ कलश ही दिखाई दे रहा था। उन्हें ना तो धन्वंतरी देव दिखाई दिए और ना ही आयुर्विज्ञान कोश का आयुर्वेद दिखाई दिया और ना ही औषधि गुणों से भरपूर बूटियां दिखाई दी जो धन्वंतरी देव के हाथों में थी। अमृत को देखकर असुर बड़े ही उतावले हो गए होंगे माता। हाँ अनुमान, उन्होंने अपनी असुरी वृत्ति का प्रमाण दे दिया। जब तक कि कोई कुछ समझ पाता, राहु और अन्य असुर अमृत को धन्वंतरी देव के हाथों से छीन कर पाताल लोक की ओर भाग निकले। रुक जाओ दोस्त। राहु कलश लिए छुपने का स्थान ढूंढ रहा था, इसी मात्र अमृत कुंभ से अमृत छलक कर चार स्थानों पर जा गिरा। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैनी एवं नासिक। कुंभ से गिरे उस अमृत के प्रभाव से चारों स्थान पवित्र हो उठे। जब राहु को छुपने के लिए कोई भी उचित स्थान नहीं मिला तो वो पाताल लोक जा पहुंचा। ये अमृत अब मेरा है, अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। दैत्यराज बलि, देखा आपने, वो देवता कुछ नहीं कर पाए। उनके नेत्रों के समक्ष ही मैं ये अमृत ले आया। ये अमृत अब मेरा है, मेरा। हमारा कहो राहु, ये अमृत अब हम सब असुरों का है। ये सबका है, हम सभी का है। हम सभी का है। नहीं, ये अमृत मैं लाया हूं, इसे सर्वप्रथम मैं ग्रहण करूंगा। नहीं, इस पर प्रथम अधिकार हमारे दैत्यराज बलि का है, उसके पश्चात उनके विश्वस्त रक्षकों का, और तब किसी और को प्राप्त होगा ये अमृत। नहीं, सर्वप्रथम अधिकार सबसे शक्तिशाली का होता है, इसलिए अमृत का पान सबसे पहले मैं करूंगा। ये मूर्ख आपस में ही लड़ते रहेंगे, उचित होगा कि मैं ये अमृत लेकर निकल ही जाऊं यहाँ से। हमें चाहिए, हमें चाहिए, मुझे चाहिए। राहू, तुम अमृत लेके कहाँ चले? राहू रुको, ये अमृत ले जाने से पहले तुम्हें हमारा सामना करना होगा। राहू राहू रुक जाओ, राहू राहू रुक जाओ। मूर्ख, ये मूर्ख असुर आपस में ही लड़ मरेंगे, आपस की लड़ाई का लाभ बाहर वाले उठाते हैं, ये इन मूर्खों को कौन समझाए। माता, ये तो बड़ी विचित्र सी बात है, असुरों को तो परस्पर सहमति से अमृत बांट लेना चाहिए था, परंतु वो तो आपस में ही लड़ाई करने लगे। श्वास प्रवृत्ति है ये, ना स्वयं खाएंगे ना ही किसी और को खाने देंगे। असुरी वृत्ति भी ऐसी ही होती है हनुमान। पहले वो देवताओं के साथ अमृत बांटना नहीं चाहते थे, अब अपने साथी असुरों के साथ भी
उन्हें बांटना स्वीकार नहीं था। अधिक लालच जो प्राप्त हो रहा है उससे भी दूर कर देता है। हाँ माता, माँ भी कहती है लालच बहुत ही बुरी बला है। हाँ हनुमान, अब स्थिति ये थी कि देवता बिना अमृत के ही रह गए थे। देवगणों, ये दुष्ट असुर छल करके अमृत छीन ले गए। यदि उन्होंने अमृत ग्रहण कर लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हाँ देवराज, यदि असुर अमृत पीकर अमर हो गए तो तीनों लोग उनके अत्याचारों से त्राहिमाम कर उठेंगे। हाँ वायुदेव, ये स्वर्ग पर भी अधिकार कर लेंगे तो फिर हमें न जाने कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे वरुण देव। माता लक्ष्मी की कृपा से हमें अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त हो गई। ये दुष्ट असुर अमृत ग्रहण करे उसके पूर्व ही हमें उनसे अमृत छीनकर वापस लाना होगा। हम इन असुरों का अंत कर देंगे। इस दुष्टता का परिणाम उन असुरों को भोगना ही होगा। चलो। किंतु हम उन्हें ढूंढेंगे कहां? पताल लोक तो बहुत विशाल है और हमारे ढूंढने से पूर्व ही वो अमृत पान कर चुके होंगे। किंतु हम इस प्रकार मुख दर्शक बनकर खड़े भी तो नहीं रह सकते ना। हे प्रभु, हे हरि नारायण, अब आप ही हमारी सहायता कीजिए प्रभु। जब तक इन असुरों को हम ढूंढ नहीं लेते तब तक आप ही किसी प्रकार उन्हें अमृत पान करने से रोक लीजिए। हमारी सहायता कीजिए प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। हे प्राणवल्लभ, अमृत तो राहु ने छल से छीन लिया है। यदि असुरों ने अमृत पान कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। इस अनर्थ को रोकिए स्वामी। अमृत पान के योग्य मात्र देवता है, उन्हें अमृत प्रदान कीजिए स्वामी। प्रिय, किंतु अमृत को वापस लेने के लिए असुरों को कुछ तो लालच देना ही होगा। कुछ ऐसा जिसे देखकर वो अमृत को भूलकर उसकी ओर आकर्षित हो जाएं। ऐसा क्या लालच हो सकता है? हाँ, आसुरी प्रवृत्ति वाले स्त्री सौंदर्य की ओर सर्वप्रथम आकर्षित होते हैं। आपका मोहिनी रूप धारण करने का समय आ गया है प्रभु। समस्त संसार को मोह में डाल देने वाला आपका मोहिनी रूप। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी प्रिय। वैसे भी नवविवाहित दुल्हन की इच्छा का सम्मान करना पति का कर्तव्य होता है। सौंदर्यमय रूप को देखकर तो तपस्वी भी अपना तप छोड़ दे, योगी योग का त्याग कर दे। आपके इस मोहिनी रूप को मेरा प्रणाम स्वामी। प्रभु श्री हरि नारायण, देवी के रूप में माता, ये तो आपने बड़ी ही आश्चर्यजनक बात बता दी। आश्चर्य कैसा हनुमान, मैंने पहले भी बताया था कि शिव जी की सृजन शक्ति जब नारी रूप में होती है तो देवी आदि शक्ति कहलाती है, जो देवी पार्वती के रूप में उनके साथ रहती है।
शिव जी की पालक शक्ति जब पुरुष रूप में होती है तो उन्हें विष्णु देव के रूप में ये संसार जानता है। हाँ माता, हनुमान को स्मरण है। तो हनुमान शिव की शक्ति देवी पार्वती एवं विष्णु जी है, तो उन्हीं की शक्ति ने जब नारी रूप धारण किया तो इसमें आश्चर्य कैसा। उन विलासी असुरों के हाथों से अमृत वापस लेने के लिए ही भगवान विष्णु ने अपने मोह और माया के प्रयोग से मोहिनी रूप धारण किया। रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे भी चाहिए। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे भी चाहिए अमृत। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। इन असुरों के हाथ में यह अमृत कुंभ पड़ गया तो सारा अमृत पी जाएंगे ये। इन्हें नहीं लेने दूंगा यह अमृत कुंभ। इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे हैं राहु जी? शीघ्रता से कहां जा रहे हैं राहु जी? ये अपूर्व सुंदरी, कहीं ये स्वप्न तो नहीं? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं राहु जी? मैं मोहिनी हूं। क्या मैं आपके हाथ से ये कलश ले लूं? ले लो। ऐसी सुंदरी पाताल लोक में? राहु, राहु, ऐसा अप्रतिम सौंदर्य तो आज तक नहीं देखा। अप्सराएं भी लजा जाए इसके समक्ष। कौन है ये सुंदरी? प्रणाम दैत्यराज बली। हमें ज्ञात है कि आप सब लोग अमृत पान करना चाहते हैं, है ना? किंतु आप एक दूसरे से यूं ही लड़ते रहेंगे तो अमृत पान कब करेंगे? और यदि मैं आपकी इच्छा की पूर्ति कर दूं तो अपने कोमल हाथों से आप सबको अमृत पान करवा दूं तो? तुम जैसी सुंदरी के हाथों से अमृत पान, इससे तो अमृत पान के आनंद में असीम वृद्धि हो जाएगी। तो मेरे प्रिय असुरों, आप सब एक पंक्ति में खड़े हो जाइए। चलिए। और महाराज बलि, आप राजा हैं, इसलिए आप इसके सर्वप्रथम अधिकारी हैं।
जाओ देवी। इस अमृत पर असुरों का नहीं हम देवताओं का अधिकार है। असुर अमृत पान नहीं कर सकते। इस रूप में क्या देख रहे हो देवराज इंद्र? ये सुंदरी हमारी है, ये हम असुरों के लिए यहां आई है। इसे नेत्र उठाकर देखने की चेष्टा भी मत करना। हाँ सत्य कहा आपने दैत्यराज बलि। मैं यहाँ केवल आपके लिए आई हूँ और मुझ जैसी सुंदरी के योग्य आप जैसा कोई महाबली ही है। ये देवता नहीं। हाँ हाँ ठीक है, किंतु इस अमृत पर हम देवताओं का भी तो अधिकार है। असुर इसे छल से छीन कर लाए हैं। छल तो तुम देवताओं ने किया है। समुद्र मंथन से जो कुछ भी प्राप्त हुआ वो सब तुमने ले लिया। वैसे भी प्रेम और युद्ध में तो सब कुछ वैध होता है ना, छल से लिया हो या बल से, किंतु ये अमृत अब हमारा है। और वैसे भी इस देव राजेंद्र पर विश्वास नहीं कर सकते हम। आपने सत्य कहा प्रिय राहु, ये देवता विश्वास के योग्य कदापि नहीं है। हाँ। और इनका वो इष्ट विष्णु नारायण, वो तो सबसे बड़ा छलिया है। हाँ हाँ देखा तुमने, ये सुंदरी भी तुम लोगों के बारे में अच्छी तरह से जानती है। अब तो तुम्हें ज्ञात हो गया होगा ना, ये सुंदरी हमारे साथ है। किंतु राहु जी, इन देवताओं ने भी समुद्र मंथन में श्रम करके ही अमृत प्राप्त करने के लिए बहुत योगदान दिया है। मैं तो कहती हूँ इन्हें थोड़ा अमृत दे ही देते हैं। और इन देवताओं के भांति हम तो छलिया नहीं हो सकते ना। तो सुंदरी इन्हें यह अमृत दे दिया तो राहु जी कम नहीं पड़ेगा। अगर आप इन्हें थोड़ा अमृत दे देते हैं तो ये सदैव आपके आभारी रहेंगे। तो क्या कहते हैं आप महाराज बलि? ठीक है, दे देंगे इन्हें। परंतु स्मरण रहे, सबसे पहले ये अमृत असुरों को प्राप्त होना चाहिए। दैत्यराज बलि ने कह दिया है तो मैं भी अपने राजा की बात से सहमत हूँ, किंतु मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। अमृत पान करने के पश्चात ये लोग हमसे भी तो छल कर सकते हैं। हम इन असुरों पर विश्वास नहीं कर सकते। देवराज इंद्र, अमृत तो तभी बटेगा जब सर्वप्रथम हम असुर इसका पान करेंगे, अन्यथा इस अमृत का बंटवारा नहीं होगा। हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अमृत सब में बटेगा।
हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे हम ऐसा, नहीं होने देंगे हम ऐसा, ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। असुरों, क्या आप लोगों में से कभी भी किसी ने अमृत देखा है? नहीं। बताइए महाराज, और क्या कभी अमृत ग्रहण किया है? नहीं ना? आपने? और आपने? तो महाराज, हम आपसे यही कह रहे हैं कि आप लोगों ने कभी अमृत ग्रहण नहीं किया, इसलिए आप ये मूर्खता कर रहे हैं कि आप अमृत पहले पीना चाहते हैं। कहना क्या चाहती हैं सुंदरी? मैं कुछ समझा नहीं। महाराज, हम जब भी अमृत को किसी पात्र में रखते हैं तो उसका ऊपरी हिस्सा जल के समान पतला हो जाता है और उसके नीचे तली वाले हिस्से में गाढ़ा अमृत रहता है, और वही गाढ़ा अमृत प्राणियों को अमर करता है, और ऊपरी भाग का जल के समान अमृत ज्यादा प्रभावकारी नहीं होता। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम ये गाढ़ा अमृत हमें ही क्यों पिलाना चाहती हो? इसलिए मेरे प्रिय राहु, ताकि आप सब असुर अमर हो जाएं, ताकि आप पाताल से निकल के स्वर्ग पहुंच जाएं। इन इंद्रादि देवताओं ने सदैव ही भोग विलास पूर्वक जीवन जिया है और आप सबको पाताल में रहने के लिए विवश कर दिया। हम आपके लिए न्याय चाहते हैं महाराज, और आपके लिए भी। ठीक है सुंदरी। असुरो, मुझे इस सुंदरी मोहिनी की बातों पर पूर्ण विश्वास है। मैं तुम्हारा राजा बलि ये आदेश देता हूं कि अमृत का बंटवारा सुंदरी मोहिनी के कहे अनुसार ही होगा। किंतु दैत्यराज, कहीं ऐसा ना हो कि ये सुंदरी सारा अमृत इन देवताओं को ही बांट दे। ठीक है, तो मैं नहीं बांटती अमृत। मैं तो यहाँ इसलिए आई थी ताकि अमृत जैसी दुर्लभ वस्तु को सब में एक समान बांट सकूं। कहीं आपकी छीना झपटी में अमृत व्यर्थ हो जाता तो? ये लीजिए अपना अमृत कलश, आप ही बांट लीजिए सब में अमृत। ले लीजिए अपना कलश महाराज, मैं चलूं। नहीं सुंदरी, इस अमृत को तो अब तुम अपने हाथों से ही पिलाओ। हाँ, और तभी हम इसे ग्रहण करेंगे। प्रकार
देवी मोहिनी के रूप और सौंदर्य पर मोहित हुए असुर देवी मोहिनी के बताए अनुसार अमृत पान करने के लिए तैयार हो गए। अर्थात प्रभु नारायण जी ने असुरों के छल का प्रत्युत्तर छल से ही दिया। माता हनुमान, संसार को संकट से बचाने के लिए प्रभु श्री हरि को छल का आश्रय लेना ही पड़ा। जगत कल्याण के लिए किया हुआ कार्य भले ही छल से हो या बल से, सदैव ही उचित होता है हनुमान। माता, उसके पश्चात तो सारा अमृत देवताओं को ही प्राप्त हो गया होगा। नहीं पुत्र, अभी भी एक रोचक मोड़ आने वाला है कथा में। छल करना जिनका स्वभाव बन जाता है, वे छल किए बिना नहीं रहते। मोहिनी रूपा सुंदर नार नारायण लेके अवतार, रूप से राक्षस वश में आए, अमृत कलश हरि हथि आए। कर कमलों से अमृत पान करवाए सुर को भगवान, जग कल्याण सदा ही कर हैं, कितने दयालु देखो हरि हैं। राहु,
छल छल मैं अमर हो गया। अमृत का पान तो मैंने कर लिया। मुझे तो तुम पर पहले ही संदेह हो गया था सुंदरी मोहिनी, इसीलिए मैं देवताओं की पंक्ति के मध्य जाकर खड़ा हो गया था। छल, अब मेरा कोई अहित नहीं कर सकता। अमृत तो प्राप्त हो गया है मुझे, अमर हो गया हूँ मैं, अमर। पाप कर्म ईश्वर की दृष्टि से नहीं छिपता, उसका दंड अवश्य मिलता है। क्योंकि देवता अमृत पान करके पुष्ट एवं अमर हो चुके थे, देवी लक्ष्मी और प्रभु श्री नारायण के आशीर्वाद की शक्ति भी उनके साथ थी। देवताओं ने सहज ही असुरों को परास्त कर दिया। तो ये कथा थी प्रभु श्री नारायण के कूर्म अवतार की, एवं इसी कथा में प्रभु नारायण जी ने देवी मोहिनी का रूप धारण करके असुरों से अमृत की रक्षा की। तो हनुमान, अब ये बताओ कि इस कथा से हनुमान को क्या सीख प्राप्त हुई? मैंने इससे ये सीखा कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो प्रभु नारायण के कूर्म अवतार की ही भांति अपने पृष्ठ पर मंदराचल पर्वत को रखकर उसे मतवाकर हम समुद्र से अमृत निकलवा सकते हैं। छल से किए गए कार्य का दुष्परिणाम उसे भोगना ही पड़ता है। माता, जैसे उस राहु ने भोगा था। सत्य कथन है हनुमान। किंतु माता, प्रभु श्री हरि के देवी मोहिनी के अवतार के बारे में सोचकर हनुमान अत्यंत उतावला हो रहा है। ये बाल सुलभ उतावलापन है हनुमान। आओ मेरे साथ प्रभु मोहिनी के अवतार की स्तुति गाओ, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। अवश्य माता। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मोहिनी रूपाल अवतार, जग पे किए विष्णु उपकार। अमृत राक्षस से ले लीन हो, और देव गण को दे दीन हो। संकट बेला जब हूँ आए, तब हूँ नारायण उभराए। हनुमत सुमिरे बारंबार, जय 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 श्री हरि जय कार। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, अब तुम्हारा मन शांत हो गया ना हनुमान? हाँ माता। तो तुम अब प्रभु श्री नारायण के अगले अवतार के बारे में जानने के लिए प्रस्तुत हो? हाँ माता, शीघ्र बताइए ना, प्रभु श्री नारायण ने तृतीय अवतार कौन सा धारण किया और उनके तृतीय अवतार की कथा क्या थी? प्रभु श्री नारायण का तृतीय अवतार था वराह अवतार।
जो उन्हें सतयुग में ही धारण करना पड़ा। वराह अवतार, ये प्रभु नारायण का बड़ा ही भयानक अवतार हुआ होगा ना माता? हाँ हनुमान, भयानक हिंसक शुकर जिसकी दाढ़ से निकले हुए दंत शत्रु के लिए काल के समान होते हैं। शीघ्र बताइए ना माता, फिर क्या हुआ था? प्रभु को ऐसा अवतार क्यों लेना पड़ा? इस कथा का सूत्रपात तब हुआ जब चार बाल ऋषि भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ के द्वार पहुँचे। चार बाल ऋषि अर्थात वो बालक थे माता? हनुमान, ये चार बाल ऋषि ब्रह्मा जी के चार मानस पुत्र हैं, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सतातन एवं सनत कुमार। इनकी आयु तो अधिक है, किंतु ये सनकादिक ऋषि अपने तपोबल से बाल रूप में ही रहते हैं। ये चारों ऋषि वैकुंठ के द्वार पर पहुँचे। वैकुंठ में सात द्वारों को पार करने के पश्चात ही प्रभु नारायण से भेंट होती है। वे चारों ऋषि वैकुंठ के छह द्वार पार करके जब सप्तम द्वार पर पहुँचे, रुक जाइए बाल ऋषियों, आप बिना अनुमति के भीतर नहीं जा सकते। देखिए, हम चारों संकादिक ऋषि हैं। मैं सनक, ये सनातन, ये सनंदन और ये सनत कुमार। हम प्रभु हरि से मिलने आए हैं, कृपया हमें भीतर जाने दें। प्रतीत होता है कि आप चारों बालक भूल से इस ओर चले आए हैं। ये कोई क्रीड़ा स्थल नहीं, वैकुंठ है। हमें ज्ञात है कि ये वैकुंठ है और आप दोनों वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय हैं। देखिए, हमें प्रभु श्री हरि के दर्शन कर लेने दीजिए। ये समय प्रभु के विश्राम का है, हम उनके विश्राम के समय में कोई विपदा नहीं डाल सकते। यदि आपको प्रभु से भेंट करनी है तो आपको प्रतीक्षा करनी होगी। उचित है, तो हम यही उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। प्रभु के विश्राम करने की बात सुनकर चारों बाल ऋषि वैकुंठ के द्वार पर ही बैठकर ध्यान लीन हो गए। दिन व्यतीत हो रहे थे, किंतु वे उसी प्रकार प्रतीक्षा में बैठे रहे। ये तो बाल हट पर अड़ गए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये चारों तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। देखिए, आप बहुत दिनों से यहीं बैठे हुए हैं, ये कोई विश्राम स्थल या तप स्थल नहीं है। अतः आप चारों ये बालहट छोड़कर जहाँ से आए थे वहीं लौट जाइए। और ईश्वर की इच्छा हुई तो आपकी भेंट उनसे हो ही जाएगी, किंतु इस तरह आप यहाँ बैठकर अपना समय नष्ट ना करें। और वैसे भी आपकी आयु अभी तप या प्रभु दर्शन की नहीं, क्रीड़ा करने की है। देखिए, हम बड़े मनोयोग से प्रभु दर्शन को आए हैं। हमें उनसे मात्र एक बार भेंट कर लेने दीजिए। हमारे दर्शन मात्र से उनके विश्राम में व्यवधान भी नहीं आएगा। यदि उन्हें हमारे बारे में ज्ञात होगा तो वे हमसे भेंट करने से भी मना नहीं करेंगे। और बस आप एक बार उनसे हमारे आगमन की सूचना तो दीजिए। फिर वही बाल स्वभाव की चपलता, मैंने कहा ना, आप उनसे नहीं मिल सकते। और वैसे भी बालकों के लिए उनके पास समय नहीं है। यदि आप कहें तो हम आपके लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था कर दें। यदि वो भी कम हो तो क्रीड़ा के लिए आपको दिव्य खिलौने मंगवा कर दे दें। अपमान कर रहे हैं आप हम ऋषियों का। बस बस, बहुत हुआ ऋषि महाराज, जहाँ से आए हैं वहीं लौट जाइए। बस, बहुत कर लिया आपने हमारा अपमान। जय विजय, प्रभु के द्वारपाल तो बन गए हैं आप, किंतु प्रतीत होता है
ही अपने अपने ज्ञान के द्वार बंद कर रखे हैं। अन्यथा वैकुंठ के वासी होकर हम ऋषि का इस प्रकार अपमान नहीं करते। आप दोनों भगवान के निकट रहने के योग्य कदापि नहीं है। हम ऋषियों का परिहास करके आप दोनों ने अपनी आसुरी वृत्ति का परिचय दिया है। हम तुम्हें शाप देते हैं, अपनी इसी आसुरी वृत्ति के साथ तुम दोनों पृथ्वी पर जन्म लोगे और जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे रहोगे। ये सहसा क्या हो गया? प्रभु। प्रणाम प्रभु। सनकादिक ऋषि, मेरे लोक में आप ऋषियों का स्वागत है। प्रणाम सनकादिक ऋषि, आपका यहाँ आना सुखद है। मेरे द्वारपालों के अभद्र व्यवहार के लिए मैं आप सबसे क्षमा का प्रार्थी हूँ ऋषि। प्रभु, क्षमा मांगकर हमें लज्जित ना करें। इन द्वारपालों ने जो किया अज्ञानता वश किया। प्रभु, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम ऋषिवरों की तेजस्विता को नहीं पहचान पाए। प्रभु, हमने बालक समझकर इनसे अभद्रता की, जिसके फल स्वरूप हम इनके श्राप के भागी हो गए हैं। इनके श्राप के फल स्वरूप हमें पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। प्रभु, हम आपसे दूर नहीं जाना चाहते। प्रभु, हे बाल ऋषियों, हम हमारी भूल के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। कृपया अपना श्राप वापस ले लीजिए। जय विजय, ये विधि का विधान है। श्राप हो या वरदान, हम उसे वापस नहीं ले सकते। अतः हम ऐसा करने में असमर्थ हैं। ये सत्य है जय विजय कि सनत कुमारों के द्वारा दिया गया श्राप वापस नहीं हो सकता। तुम दोनों को पृथ्वी पर जन्म लेना ही होगा, किंतु हम तुम्हें इसके लिए विकल्प अवश्य दे सकते हैं। या तो तुम 7 जन्मों के लिए मेरे महाभक्त बनकर पृथ्वी पर जन्म लो, या फिर 3 जन्मों के लिए मेरे घोर शत्रु बनकर पृथ्वी पर जन्म लो। उसके पश्चात तुम वापस वैकुंठ में मेरे द्वारपाल बनकर सदा मेरे साथ रह पाओगे। किंतु अब ये तुम पर है कि तुम कौन सा विकल्प चुनते हो। प्रभु, हम 7 जन्मों की लंबी अवधि के लिए आपसे दूर रहने का सोच भी नहीं सकते। अतः 3 जन्मों की सीमित अवधि तक भले ही हमें आपका घोर शत्रु बनकर रहना पड़े, हमें यही विकल्प स्वीकार है। प्रभु। हाँ प्रभु, 3 जन्मों के पश्चात तो हमें आपके पवित्र चरणों की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। तथास्तु। माता, वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय किस प्रकार उन 3 जन्मों में श्री हरि नारायण प्रभु विष्णु जी के शत्रु बने? कौन थे वो प्रभु के 3 शत्रु? बताती हूँ, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। माता, शीघ्र बताइए ना, हनुमान जाने के लिए बहुत अधीर हो रहा है कि श्रापित होने के उपरांत उन 3 जन्मों में जय विजय ने कौन से रूप लिए। हनुमान जाने के लिए बहुत अधीर हो रहा है कि श्रापित होने के उपरांत उन 3 जन्मों में जय विजय ने कौन से रूप लिए। पुत्र, उनके तो 2 जन्म हो भी चुके हैं। उनका तृतीय जन्म आगामी युग अर्थात द्वापर युग में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में होना निश्चित है, और इस त्रेता युग में असुर सम्राट रावण और उनके भाई कुंभकर्ण के रूप में उन्होंने जन्म ले लिया है। अच्छा माता, तो अपने प्रथम जन्म में वो कौन थे? श्रापित होने के पश्चात सतयुग के मध्य में ही उनको गर्भ में धारण कर उनको जन्म देने वाली माता थी ऋषि कश्यप की पत्नी दिति ने जय विजय के रूप में श्री नारायण के शत्रु
हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष को जन्म दिया। धैर्य रखो प्रिय, धैर्य रखो। आयु के साथ साथ उनकी आसुरी वृत्तियों में भी वृद्धि होने लगी। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष ने अत्यंत क्रूर असुरों का रूप ले लिया। अर्थात वो निर्दोष जीवों को कष्ट देने लगे माता। हाँ पुत्र, अपने इसी स्वभाव के कारण उनका व्यवहार जगत पालक प्रभु विष्णु जी के प्रति शत्रुतापूर्ण था। छोटा भाई हिरण्याक्ष तो सदैव उपद्रव करने के लिए आतुर रहता था। धर्म परायण और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों को सताना, किसी का भी वध कर देना जैसे क्रीड़ा कर रहा हो। अकारण युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहना, ऐसे दुष्कर्म थे उसके। डरो मुझसे, सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष हूं मैं। क्या पृथ्वी लोक पर कोई योग्य योद्धा नहीं है जो सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष के साथ युद्ध कर सके? परंतु एक उत्तम विचार आया है मेरी बुद्धि में कि इंद्रदेव से युद्ध करके उनकी शक्ति की परीक्षा लूं मैं। इंद्रदेव बाहर निकलिए, मैं सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष आपको युद्ध की चुनौती देता हूं। देखते हैं मेरे समक्ष आप कितने अधिक समय तक सुरक्षित रह पाते हैं। उत्तंड असुर इंद्रलोक पहुंचकर देवराज इंद्र को चुनौती देने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? चुनौती तो प्रारंभ मात्र है इंद्रदेव, मैं अपनी शक्ति से आपको धूल धूसरित कर दूंगा। यदि आप में शक्ति और साहस है तो युद्ध करिए मुझसे। सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष के समक्ष कुछ अवधि तक तो टिक कर दिखाइए। स्वयं को संभालिए देवराज इंद्र, युद्ध कौशल और बल में इससे कहीं अधिक श्रेष्ठता की अपेक्षा की थी इस सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष ने।
डरो मुझसे, मैं सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष हूँ। पराजय स्वीकार करते हैं इंद्रदेव, या प्राणघाती प्रहार करूं आप पर? डरो मुझसे, डरो मुझसे, डरो मुझसे, सर्वशक्तिमान, शक्तिमान, 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 हिरण्याक्ष हूं मैं, हिरण्याक्ष हूं मैं। शक्ति का अभिमान पतन का कारण बनता है। पराजित इंद्रदेव को आपने शरण देकर सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष को ललकारा है, और अब आपको अपने पौरुष का परिचय देने का समय आ गया है। समस्त सागरों के तथाकथित देवता, आइए और मेरे सम्मुख आकर अपने इस कृत्य के परिणाम को भुगतिए, अन्यथा आपके इस हिमित वरुण लोक को अपनी क्रोधाग्नि से पिघलाकर ध्वस्त कर देगा ये सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष। देवराज इंद्र को पराजित कर तुमने हम सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए तुम्हारा मुझसे युद्ध करने का कोई लाभ नहीं होगा हिरण्याक्ष। अर्थात पराजय स्वीकार करते हैं आप? सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष से युद्ध किए बिना ही समर्पण कर रहे हैं? तुमसे युद्ध करने की क्षमता मुझमें नहीं है, परंतु अपनी शक्ति पर इतना दंभ तुम्हारे लिए उचित नहीं है। शक्ति के अखंड रूप से अभी तुम्हारा परिचय नहीं हुआ। अच्छा, अभी तक तो इन तीनों लोकों में ऐसा कोई भी योद्धा नहीं मिला है जो सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष की शक्ति का सामना कर सके, क्योंकि अभी तक तुम्हें अनंत शक्ति स्वरूप श्री हरि के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। क्या हुआ, श्री हरि का नाम सुनकर तुम्हारे मस्तक पर चिंता की रेखाएं छा गई? सबको भयभीत करने वाले हिरण्याक्ष, तुम स्वयं भयभीत हो गए? सो
और उस शक्तिमान हिरण्याक्ष को कोई भी भयभीत और चिंतित नहीं कर सकता। मैं अभी आपके श्रीहरि को युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। कौन है वो शक्तिशाली योद्धा और कहाँ मिलेंगे वो? अवश्य तुम्हारे काल के रूप में वो शीघ्र ही तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। तीनों लोकों में दुष्कर्म कर तुमने अपने पापों का बोझ बढ़ा लिया है। भूदेवी तुम्हारे अत्याचारों से त्रस्त है। तुम जैसे पापी के कारण श्री हरि प्रभु नारायण भूदेवी को संतप्त नहीं रहने देंगे। मेरी चिंता मत करिए वरुण देव, मैं शीघ्र ही आपके श्री हरि को ढूंढकर इंद्रदेव और आपके समान उन्हें भी पराजय स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दूंगा। चलो मुझसे सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष हूं मैं। माता, क्या हिरण्याक्ष को प्रभु विष्णु जी का कुछ भी स्मरण नहीं रहा? मेरा अर्थ है वो पूर्व जीवन में बैकुंठ निवास के द्वारपाल थे। उन्हें सदा प्रभु विष्णु जी का सानिध्य प्राप्त था। नहीं पुत्र, जन्म प्राप्त कर जीवलोक में आते ही पूर्व जीवन की समस्त स्मृतियां मिट जाती है। साथ रह जाते हैं मात्र उस जीवात्मा के अच्छे और बुरे कर्म, जिसका प्रभाव उसके वर्तमान जीवन पर होता है। हिरण्याक्ष का यह जीवन उसके पूर्व जन्म की भूल का दंड था और इस जीवन में भी पाप कर्म कर उसका जीवन अपने विनाश की ओर अग्रसर था। तो उसने प्रभु श्री हरि से मिलने के लिए क्या किया माता? प्रभु श्री विष्णु जी से मिलकर उनसे युद्ध करने के लिए आतुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी के जीवों पर अत्याचार बढ़ा दिए। उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार से प्रताड़ित करने लगा। शक्तिमान हिरण्याक्ष हूं मैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष हूं मैं। किसी को मत छोड़ना। हे श्रीहरि, श्रीहरि हमारी रक्षा कीजिए। इन राक्षसों ने हमारा यज्ञ खंडित कर दिया। तीनों लोकों में दुष्कर्म कर तुमने अपने पापों का बोझ बढ़ा लिया है। भूदेवी तुम्हारे अत्याचारों से त्रस्त हैं। तुम जैसे पापी के कारण श्री हरि प्रभु नारायण भूदेवी को संतप्त नहीं रहने देंगे। मुझे ज्ञात हो गया है कि भूदेवी ही श्री हरि और देवताओं की दुर्बलता है। उन पर होने वाले यज्ञ आदि से ही श्री हरि और देवताओं को पुष्टि मिलती है। यदि भूदेवी को मैं देवताओं की पहुंच से दूर कर दूं तो विवश होकर श्री हरि को मुझसे युद्ध करने आना ही होगा। सुनो, सब सुनो। मैं भूदेवी को ब्रह्मांडी सागर की अतल गहराई में लेकर जाऊंगा। अंतरिक्ष के अनंत अंधकार के दलदल में धकेल दूंगा। फिर कोई कितने भी यत्न करे उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। फिर देखते हैं तुम्हारे श्री हरि भूदेवी की कैसे रक्षा कर पाते हैं। Ha 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 ha
श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। भूदेवी सदा के लिए अंधकार में। हे श्री हरि, हे प्रभु नारायण रक्षा कीजिए, हे प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हे प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष और कोई है शक्ति में जो मुझसे युद्ध करे, जो मेरा सामना कर सके? आओ श्री हरि, आओ युद्ध करो मुझसे, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। परंतु इतने समय तक जगत के समस्त जीवों को आतंकित करने वाले ऐसे कुटिल पापी हिरण्याक्ष को दंडित करने के लिए प्रभु इतना विलंब क्यों कर रहे थे? प्रभु विष्णु जी दया स्वरूप है पुत्र, वे पापियों को अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान करते हैं, परंतु जब किसी के पापों का घड़ा भर जाए तब प्रभु विष्णु स्वयं पधार कर उसका संहार कर पृथ्वी को उसके आतंक से मुक्त कराते हैं। हनुमान समझ गया माता, पापी को भी क्षमा प्रार्थना तभी प्रदान हो सकती है जब वो सत्य हृदय से प्रायश्चित करे, परंतु हिरण्याक्ष तो अहंकार में अपना विवेक खोकर पाप पर पाप किए जा रहा था माता, उसका संहार होना तो आवश्यक था। तब प्रभु नारायण ने अवश्य वराह अवतार लिया होगा। हाँ पुत्र, हिरण्याक्ष ने भूदेवी को अंतरिक्ष में व्याप्त अंधकार के दलदल में धकेलकर घोर पाप किया था, भूदेवी को असहनीय कष्ट पहुंचाया था। जब भूदेवी ने अपने दुखों और कष्टों के निवारण के लिए स्वयं प्रभु विष्णु जी की प्रार्थना प्रारंभ की तो असीम वेदना से भरी उनकी पुकार समस्त ब्रह्मांड में गूंज उठी। हे प्रभु, शीघ्र दर्शन देकर मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर और मेरे भीतर संचित जीवन पर घोर संकट छाया है, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं प्रभु, अन्यथा मैं अपने भीतर निहित जीवन की रक्षा करने में असमर्थ हो जाऊंगी। प्रभु प्रभु रक्षा कीजिए। हे
प्रभु रक्षा कीजिए। नमः श्रीराभिवासाय नागपर्यंकशाय नमः श्रीकर संस्पृष्ट दिव्य पादाय विष्णवे नमस्ते योग निद्राय योगांतर्भाविताय च ताक्षासनाय देवाय गोविंदाय नमो नमः। नमः क्षीराब्धि कल्लोल स्पृष्ट मात्राय शांतिने नमो रविंद्रपादाय पद्मनाभाय विष्णवे भक्तार्जित सुपादाय नमो योग प्रियाय वै शुभांगाय सुनेत्राय माधवाय नमो नमः। पुकार प्रभु वराह काले अवतार दुष्ट हिरण्याक्षा के काल भय श्री नारायण जगपाल। पापी का जब हो संहार जीवन का हो तब उद्धार अद्भुत लीला तुम्हारी प्रभु जय 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 श्री वराह विष्णु। विष्णु जी ने वराह रूप में ही अवतार क्यों लिया और वो उस ब्रह्मांडीय सागर में भीषण अंधकार व्याप्त होने के कारण जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता भूदेवी माता को ढूंढना कैसे संभव करेंगे। पुत्र हनुमान प्रभु विष्णु जी की लीला अकारण नहीं होती। सघन कीचड़ में विचरण करने वाला वराह दृष्टि का नहीं अपितु गंध का अनुभव करने की अपनी असीम क्षमता से वे जीवन में अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसीलिए प्रभु विष्णु देव ने भूदेवी को ढूंढने के लिए वराह रूप धारण किए और उनकी सुगंध का पीछा करते हुए वे ब्रह्मांड के अनंत अंधकार के दलदल में प्रविष्ट हुए। पशु स्वयं हरि नहीं तो जो भी हो तुम भूदेवी को ढूंढकर उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से अंधकार के अनंत दलदल में प्रवेश करोगे तो सुनो ये कदापि सफल नहीं होगा। अंधकार में लुप्त होकर उसी में विलीन हो जाओगे।
मेरी इच्छा के विरुद्ध चुनौती देने का दुस्साहस किया, दंड दूंगा तुझे, संहार करूंगा तेरे शरीर का गुरु पशु। छली छद्मी गुरु पशु, अपने बल से भूदेवी को पराजित कर अपने वश में किया है मैंने उसे। रुक जा, उन्हें कहाँ ले जा रहा है, अन्यथा अपने प्रचंड खड़क से तीव्र आघात करके खंड खंड कर दूंगा तेरे शरीर को। तुम्हारा मुझसे बचकर निकल जाना असंभव है, तुझे छोड़ूंगा नहीं। सामना करो मेरा, युद्ध करो सर्वशक्तिमान योद्धा हिरण्याक्ष से। भूदेवी पर सिर्फ मेरा अधिकार है, यदि साहस है तो पराजित करो मुझे और ले जाओ उसे अपने साथ। रुक जाओ, कायरों की तरह पलायन कहां कर रहे हो, लौटाओ मुझे मेरी भूदेवी। माता, प्रभु विष्णु जी ने अपना इतना अपमान क्यों सहा? उस दुष्ट हिरण्याक्ष की चुनौती स्वीकार कर उसे उचित उत्तर क्यों नहीं दिया? उन्होंने वही किया जो उनका कर्तव्य था पुत्र। सर्वप्रथम पीड़ित की सहायता कर उसकी पीड़ा को दूर करना हमारा कर्तव्य होता है। उसके उपरांत ही पीड़ा देने वाले को दंडित किया जाता है। अर्थात प्रभु का प्रथम उद्देश्य था माता भूदेवी की रक्षा करना, उसके पश्चात वो दुराचारी हिरण्याक्ष को दंडित करने वाले थे। सृष्टि एवं उसमें समाहित सभी जीवों की रक्षा के लिए भूदेवी को सौर मंडल में उनके उचित स्थान पर पुनः स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण था पुत्र। इसीलिए जगत के पालनहार प्रभु विष्णु जी ने यथाशीघ्र यह कार्य पूर्ण किया। भूदेवी जीवन की रक्षा करते आए सदा रमेशा, हिरण्याक्ष दंडित करने रूप वराह का विष्णु धरे। अजर अमर है जीवन द्योतक, हनुमत श्री अक्रानत मस्तक, हर हर काज करें जीवन हित, कपि सहाय करवे संकल्पित। अब मुझसे बचकर कहां जाओगे कायर पशु? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम मुझसे युद्ध करने के लिए अत्यंत आतुर हो।
कायर और कुरूप पुकार, तुमने जिसका आने को बार अपमान किया, आज वो तुम्हारे सम्मुख है। इच्छा पूर्ण करो अपनी, आओ युद्ध करो मुझसे। बस इतनी ही शक्ति है तुम में हिरण्याक्ष, इसी शक्ति का दंभपूर्ण प्रदर्शन कर तुम समस्त जीवन स्वयं को सर्वशक्तिमान होने का ढिंढोरा पीटते रहे। विष्णु अवतारा दुष्ट हिरण्याक्षा संहारा, दृष्टि दया भक्तन पे रखी है, दुष्टन लाए काल बनी है। पापी का वध करके प्रभु भय चतुर्भुज पुनः विष्णु, कभी इस रूप पे
मुग्धाए भक्ति भाव से भर आए। सृष्टे सर्वार्थ वेदिने नमो हिरण्यगर्भाय वेदसे परमात्मने नमस्ते वासुदेवाय विष्णवे विश्वयोनये नारायणाय देवाय देवानां हितकारिणे नमोऽस्तुते चतुर्वक्रशारङ्गचक्रासिधारिणे सर्वभूतात्मभूताय कूटस्थाय नमो नमः नमोऽस्तुते वराहाय नमस्ते मत्स्यरूपिणे नमो योगादिगम्याय नमः संकर्षणायते। नमोस्तु ते वराहाय नमस्ते मत्स्यरूपिणे नमो योगाधिगम्याय नमः संकर्षणाय ते। हिण्याक्ष का शीश अनर्थ है ये, अनर्थ है ये। किसने किया मेरे रुच का वध करने का भयंकर अपराध? किसने किया? कथा वो चाहे जो भी हो मैं उसे नष्ट कर दूंगा, अस्तित्व मिटा दूंगा मैं उसका, अस्तित्व मिटा दूंगा। बुरे कर्मों का परिणाम सदैव बुरा ही होता है।